गुड मॉर्निंग चाचा जी। सुप्रभात बड़ी बहू, सुप्रभात। का हो बोरे बोरे, कौन सी नई खबर लाई हो? खबर भी सुना दूंगी चाचा जी, जल्दी किस बात की है? पर पहले मुझे ये बताइए कि ये कैसा? अच्छा है। वैसे तुम तो हमेशा अच्छी चीजें ही पहनती हो बड़े बहू, अच्छा लगेगा तुम पर, बहुत बढ़िया लगेगा। मैं जानती हूँ चाचा जी, that I have a great choice, लेकिन ये मेरे लिए नहीं। तो किसके लिए है? इस घर की छोटी बहू राधिका के लिए। अच्छा, तो तुम भी छोटी बहू को मक्खन लगा कर सीढ़ियां चढ़ना चाहती हो? चाचा जी यही तो प्रॉब्लम है आपकी, ये आप मुझे ठीक से समझ ही नहीं पाए। ठीक है भाई, चलिए माना हम भी मंदबुद्धि हैं, तुम ही बता दो, तुम ही समझा दो का है। देव और राधिका दोनों घूमने जा रहे। विशाखा को भी साथ लेकर? जी नहीं, क्योंकि मैंने देव से कहा है कि विशाखा का ख्याल मैं रखूंगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मैंने राधिका से भी बात की थी। अब सब ठीक हो जाएगा दादी माँ। अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए और इस घर को तनाव से दूर रखने के लिए मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर लेकर चले। और दादी माँ वो मान भी गए हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए हम दोनों एक साथ यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी दादी माँ, किसी ऐसी जगह जहां पर वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाए, जहां पर मैं उनके साथ रहूं और वो। इतने दिनों के बाद भी हमारा वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हो पाया, इसीलिए यही जरूरी है कि हम दोनों यहां से कहीं दूर जाएं। मैं उनकी खोई हुई मुस्कान वापस लाना चाहती हूं दादी माँ। उनसे नाराज होकर आपने उन्हें राजपुरोहित के कर्तव्य निभाने से रोका था। मैं जानती हूं दादी माँ, आपको ये निर्णय लेते हुए बहुत दुख हुआ होगा और वो ये बात समझते हैं, लेकिन अभी उनके दिल पर बहुत बोझ है दादी माँ। वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। यहां से दूर जाएंगे, उनके मन को शांति मिलेगी और तब मैं उन्हें समझाऊंगी। और फिर ये विशाखा की समस्या भी दूर हो जाएगी। आपको आपका राजपुरोहित वापस मिल जाएगा दादी माँ। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो कुछ भी मैंने सोचा है वैसे ही हो। राधे राधे, जीते रहो जीते रहो। समधन जी आइए 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 बैठिए। सब कुशल मंगल तो है? वहां तो सब कुशल मंगल है, पर समधन जी यहां जो कछु हो रहा है वो ठीक ना हो रहा है। मुको बड़ी खुशी हुई दामाद बाबू कि आपने विशाखा को आश्रय दियो, पर ये अच्छी बात ना है कि अब आप पीछे हट रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? आप जा रहे हैं ना बाहर घूमने विशाखा को अकेले छोड़ के? इका अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी है कि ना है? मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहा हूँ। विशाखा मेरे आश्रय में ही रहेगी। अगर आश्रय में रखने का सोचो है
तो उसको साथ लेके काहे नहीं जा रहे, उसको अकेला काहे छोड़ रहे हैं यहाँ। मैं हूं ना विशाखा का ख्याल रखने के लिए। आप ख्याल रखेंगी? हाँ मैं रखूंगी, और वैसे भी अब तो आप भी आ गई हैं यहाँ, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी वजह है देव और राधिका को रोकने की, इसलिए हमें इन्हें छुट्टियों पर जाने देना चाहिए। और मैंने विशाखा से भी बात कर ली है, उसे कोई एतराज नहीं है। अम्मा जी आप आइए, आप खुद ही विशाखा से पूछ लीजिए। अच्छा सब कुछ ठीक ही लग रहा है। ऑफ कोर्स ठीक ही होगा विवेक, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं देव और राधिका के साथ कोई खेल खेल रही हूं? नहीं मुझे बस थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। लो देव। थैंक्स बाबू। कैसे तुम लोग जानते हो? तुम्हारी टिकट्स कब थी? देखो देखो खोल के देखो, तुम्हारी टिकट्स कल सुबह की हैं। इसका मतलब तुम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। देव तुम्हारा डिनर हो गया? जी। तो जाओ जल्दी, सारी पैकिंग करनी है तुम लोगों को। जाओ जाओ गो गो गो। राधिका तुम चलो, मैं एक फोन करके आता। अरे अम्मा जी आप कुछ खा क्यों नहीं थी? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी भूख मर गई है? ये लीजिए ना, गोभी आलू है, दाल है, टिकट, घूमना फिरना, का है सब? कुछ नहीं अम्मा जी, अपने देवर देवरानी को थोड़ा अफेक्शन, लाड लाड दिखा रही। अजीब थाली का बैंगन बनाया हो आपको ठाकुर जी ने। एक समय था जब आपको राधिका फूटी आंख ना सुहाती थी, और आज ये उपहार, ये टिकट। वो कहावत सुनी है आपने, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कभी कभी आंखों को धोखा हो जाता है। का? का मतलब? अम्मा जी अब मतलब भी मैं ही बताऊंगी तो खेल का सारा मजा चला जाएगा। खाई खाई अब खाना खाइए। आप ना खाएंगी? मैं डाइट पर हूं। अरे बेटा समझ लो कि अब तुम राजपुरोहित हो। हाँ अरे बार बार शिकायत करने के लिए हमको फोन वा करना बंद करिए। चलिए हाँ प्रणाम प्रणाम। आओ बड़ी बहू कहाँ से आ रही है सवारी? राधिका की पैकिंग करवा के। बड़ी बहू शतरंज की बिसात पर तो हमको आज तक कोई मात नहीं दे पाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सुबह से जो घोड़े की चालें चल रही है ना, उसके आगे तो भाई हम हार गए। सच कहे तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम काहे राधिका पर इतनी मेहरबान हो रही हो। पहले उसके लिए हार लेके आई, फिर यात्रा की व्यवस्था की, और अब उसका सामान बंधवा के आ रही हो। अरे काहे कर रही हो इतनी मेहनत? चाचा जी अब कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप नहीं चाहते कि अर्जुन हमेशा राज पुरोहित बना रहे? का मतलब है बड़े बहू? बस इतना जान लीजिए कि जा रहे हैं दो, लेकिन आएगा सिर्फ एक। क्या कह रही हो बड़ी बहू? जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ चाचा जी, सारा इंतजाम हो चुका है। एक तीर से दो निशाने लगेंगे, ना रहेगा राज पुरोहित, जरा सी आंख लगती नहीं है कि पूरे पूरे ख्याल आने लगते। मैं जानती हूँ
आप क्यों परेशान हैं? पर दादी माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा उन्हें यहाँ से बाहर ले जाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उनका मन बदल जाए। मुझे पूरा विश्वास है वो ये समझेंगे कि विशाखा के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दादी माँ, उस रात जो आपने मुझसे कहा था, अपने पति का निर्णय बदलने में कोई बुराई नहीं है, विशेष रूप से तब जब सबको लगता हो कि उनका निर्णय गलत है। जी धन्यवाद, राधे राधे। क्या हुआ जी, इतनी रात गए आप किससे बात कर रहे थे? बस अड्डे फोन लगाया, दिल्ली से आने वाली अंतिम बस भी आधा घंटा पहले आ चुकी है और अम्मा अभी तक पहुंची नहीं, फोन भी नहीं किया उन्होंने। हो सकता है पुरोहित परिवार की कार उन्हें छोड़ने आ रही हो। परंतु इतना विलंब तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसा करिए ना जी कि आप उन्हें फोन लगा के देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि वो दोनों वहां से कितने बजे निकली हैं। ठीक। उर्मी, एक ग्लास पानी। हेलो। राधे राधे समझन जी। शास्त्री जी, राधे राधे। क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं नहीं, सब कुशल है। मैंने केवल ये ज्ञात करने के लिए फोन लगाया था कि अम्मा और विशाखा वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गई ना? नहीं, यही हैं वो लोग। यही हैं? परंतु शास्त्री जी, मैं उन्हें बुला देती हूँ, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। जी। अम्मा जी, अम्मा जी। जी समदन जी, आपके लिए फोन है घर से। हेलो अम्मा, आप अभी तक वहीं हैं? अरे अब तक तो आपको वृंदावन के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए था। हम विशाखा को लिवाने आई हैं ना, उको लिए बिना कैसे ना जाती। लल्ला, हमको विशाखा को लेके आवे का है, पर दामाद बाबू हमरी सुनी ना रहे। इतना समझाए पर वो हमरी एक ना सुन रहे। लल्ला लल्ला, तू चिंता ना करियो, हमने जो काम का बीड़ा झड़पो है वो हम करके ही रहेंगी। परंतु अम्मा, आप बिटिया की ससुराल में रह रही हैं। तो कब मुँह को अच्छा लग रहा हो है? मजबूरी है लल्ला, यही कारण तो आज ही दिन देखनो पड़ रहा हो है। यहाँ बीच बैठक में ऐसा खड़े होके बात करना मुँह को ठीक ना लगता है। राधे राधे। अरे। को कुछ तो करना पड़ेगा ताकि देव बाबू और राधिका घूमने ना जा सके।
देखा तू राधिका कैसे घूमने जा सकत है। ऐसा पहले भी कर चुकी हैं, लेकिन इस बार मैं आपको दोबारा ये नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूं ये सब आप क्यों कर रही हैं। मुझे मेरे पति से दूर करने के लिए आप अपनी प्यारी पोती विशाखा को चोट पहुंचाने जा रही थी। बस कीजिए अम्मा, मुझे और परेशान मत कीजिए। मुझे मेरे पति के साथ एक सुखद वैवाहिक जीवन जीने दीजिए। दूजे का अधिकार छीन के कोई सुखी हो सकत है का? मैंने किसी का अधिकार नहीं छीना है अम्मा। जो मुझे मिला है वो हमेशा से मेरा ही था। आप उन्हें यहां से जाने से रोक रही हैं ना, पर अब मैं उन्हें यहां से लेकर जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, हमारा नया जीवन शुरू होकर ही रहेगा। शर्म कर छोरी, शर्म कर। यहां यहां बहन बीमार पड़ी है और तो को विदेश जाने की सोचे? इतना सा भी ख्याल रखते ना बना तो से। मैंने विशाखा का कितना ख्याल रखा है ये मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, खासकर उस इंसान को जिसने विशाखा का हाथ जलाने के लिए गरम तेल लाया हो। बहुत बहुत बोलने लगी है तू छोरी, इतना सब बोलवे की शक्ति तोरे अंदर आई कहां से? इतनी शक्ति मुझे मेरे पति के प्रेम से मिली है। आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए अम्मा, हम दोनों मलेशिया जरूर जाएंगे और हमें इस बार कोई नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं। आप बड़ी हैं, आपका आशीर्वाद लेना मेरा धर्म है। सुशील बाबू, राधे राधे। सुशील बाबू, राधे राधे। कहो, ऐसे पीछे से टोकने के पीछे कोई कारण तो होगा, फरमाइए। ऐसा रुके रुके काहे बन रहे हैं? बस एक आप ही का सहारा है। का मतलब? मुझको पता है, मृणालिनी की तरह आप भी ना चाहते थे कि राधिका ई घर की छोटी बहू बने। हाँ, तो पता है जब वो बात उठी थी तब आप बहुत बवाल मचाए रहे। मचाए तो थे, फिर बोलिए। जो बात तब ना हो पाई वो बात अब होने को तैयार है। का? विशाखा वापस आ गई है। हाँ, तो बस थोड़ी सी मदद मिल जाती तो
राधिका ये घर से बाहर हो सकत है? हम का मदद कर सकते हैं? आप ही मदद कर सकत हैं। मृणालिनी तो जाने कौन तरफ है, खुद ही देव बाबू और राधिका को बाहर भेज रही है। मोर पोती तो अकेली हो जावेगी ना। अम्मा जी, आप तो धार्मिक और सात्विक है ना। हम जरा ये बैग रख के आते हैं गाड़ी में। ठहरो ठहरो, खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। खुश रहो, भगवान तुझे सही फैसला लेने की सद्बुद्धि दे। भगवान तुम्हें अपने कर्तव्य में सफल करे। भाभी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, क्योंकि आप ही समझ सकती हैं। विशाखा का ख्याल रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है देव, मैं हूं ना यहाँ। तुम ये सब भूल कर निश्चिंत होकर जाओ, वहां जाकर सिर्फ एंजॉय करो, हैव फन, ओके? भैया जल्दी चलिए, देर हो रही है। जो ठीक से नाश्ता वगैरह साथ में दे दिया था ना। अरे दादी, मैं हवाई जहाज से गए हैं। अरे पर वहाँ पहुँच के घर की याद आए तो खा तो सकते हैं ना। और क्या, थेपले तो दे सकता था ना माजी। चाय का वक्त हो रहा है, हम चाय बनवाई देती हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं, बनवाती हूँ ना चाय। दीपिका कहाँ है? दीपिका? अरे माँ जी, दीपिका भौजी भैया के साथ मठ चली गई हैं, हम बनवा लाते हैं ना चाय। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, विशाखा है ना। वो बनाई देगी। विशाखा, विशाखा बिटिया, विशाखा बिटिया, सबके लिए चाय बना के ले। समझिन जी आप। अरे तू कहाँ हो गयो, विशाखा है तो बनवाई लाएगी। अब आपकी छोटी बहू बाहर गई है तो घर के सगरे काम विशाखा करेगी। अगर वो कोई घर में रहनो है तो सुस्ता के नहीं चलेगा। बिटिया अब कहाँ वहां खड़ी रहेगी, चाय दो सबको। वैशाली, मेरी चाय बना के कमरे में भेज देना। मुझे तुम्हारे हाथों की चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो जानती हो मैंने हमेशा ही तुम्हारा साथ दिया। साथ ही देना था, तू दोई को काय भेज दिया बाहर घूमने फिरने? क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लोग मलेशिया जाएं। किसी भी तरह बस मलेशिया जाएं। क्या देख रहे हैं?
सुनिए, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे वो देंगे? मैं आपसे जो मांगने जा रही हूं वो मेरा ही है, लेकिन कहीं खो गया है। वृंदावन में किसी को मुझसे प्यार हो गया था और वो प्रेमी मुझे वृंदावन की गलियों में ढूंढा करता था। ऐसा लगता था जैसे मैं ही उसका सब कुछ हूं, उसका हर पल मुझसे ही शुरू होता था और मुझे पर खत्म होता था। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं उस प्रेमी की अर्धांगिनी हूं, लेकिन वो प्रेमी कहीं खो गया है। आप मुझे मेरा वो प्रेमी लौटाएंगे ना? हमारे जीवन में जितने भी दुख आए हैं, जितनी भी परेशानियां आई हैं, आज हम उसे भुलाकर केवल अपने बारे में सोचें, अपने बारे में, अपने प्यार के बारे में, अपने जीवन के बारे में, जिसे जीने के सपने हम दोनों ने एक साथ देखे हैं। कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा है शायद हमारे कमरे के बाहर। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।